दोस्तों, क्या आपके भी सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन ब्लिंक करती है बार बार, बंद चालू होते रहता है? अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से हमारा सीसीटीवी कैमरा ब्लिंक कर रहा है, बार बार बंद चालू हो रहा है। और अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपके भी सीसीटीवी कैमरे पर आ रही है तो बिल्कुल सही वीडियो पर ही आपने क्लिक किया। आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का 100% वर्किंग सोल्यूशन बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सीसीटीवी कैमरे पर जो स्क्रीन ब्लिंकिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो बार बार बंद चालू हो रहा है, ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। बस अब बने रहना वीडियो में आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेक किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा जो सीसीटीवी कैमरा वो किस तरीके से ब्लिंक कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन करता हूँ तो देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट भी हो चुका है, ब्लिंक तो कर ही रहा है, साथ ही साथ पूरा ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कलर दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अभी मैं आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स करके बताता हूँ, ठीक करके बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने DVR के पास आ जानी है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो DVR है वो CP+ कंपनी का CP+ देख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप अपने DVR के पीछे की ओर देखेंगे, पीछे साइड, तो यहाँ पर आपको पिन्स मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे आपको पिन मिल जाएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर पिन लगा हुआ है, मेरे पास दो कैमरा लगा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो पिन लगा हुआ है, आपके में जितना ज़्यादा कैमरा लगा होगा उतने ज़्यादा यहाँ पर आपको पिन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, ये जो पिन लगी हुई है, मैं यहाँ पर लाइट जला लेता हूँ अच्छे से आपको दिखाइए। तो अभी हमने लाइट ऑन कर लिया है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो पिन लगा हुआ है देख सकते हैं, आपको घुमाना है इस तरह से, ठीक है, और आपको ओपन करना है। और यहाँ पर ये बाहर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कैमरा भी बंद हो चुका है, यहाँ पर हमने पिन बाहर निकाला, इधर कैमरा बंद हो गया। तो ये जो स्क्रीन ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आ रही है कैमरे का, ये इस पिन की वजह से ही होता है। जब इस पिन पर कार्बन आ जाता है या फिर ये पिन खराब हो जाता है, तब के टाइम पर हमारा जो कैमरा है वो ब्लिंक करता है, बार बार बंद चालू होते रहता है। तो आपको करना क्या है, ये जो पिन है इसे आपको चेंज करना होगा। मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर पिन रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो कि सेम पिन है, बहुत सारा पिन आपको पिन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पिन को आपको चेंज करना होगा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिर ये पिन मिलेगा कहाँ, तो इसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, आप जाकर खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस पिन को चेंज कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा होता है। चलो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। तो इस पिन को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सीसीटीवी कैमरे को बंद कर देनी है, लाइन की सप्लाई को कट कर देनी है, ठीक है, मतलब आपको पावर ऑफ कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जिसे कट कर देनी है, यहाँ पर हम करते हैं कट, इस तरह से कट हो गया, देख सकते हैं। कट होने के बाद ये पिन बाहर निकल जाएगा। अब आपको क्या करनी है, इसे आराम से आपको छीलना है, ठीक है, इस तरह से कटर के माध्यम, देख सकते हैं मैं कटर पकड़ा हुआ हूँ, आपको इसे आराम से छीलना है इस तरह से, बिल्कुल प्यार से, ठीक है, देख सकते हैं। अब इसे आपको अंदर की ओर धकेलना है इस तरह से, फिर आपको धकेलना है इस तरह से, और ये जो सिल्वर वाला जो भाग है इसे आपको बाहर निकालनी है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर जो सिल्वर वाला भाग है इसे आपको बाहर निकाल देनी है, देख सकते हैं मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ, ठीक ऐसा ही आपको करना है। ये निकल गया बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कवर मिलेगा, इस कवर को आपको फाड़ लेनी है और खींच के इसे तोड़ देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर एक केबल मिल जाएगा, देख सकते हैं, इसे भी आपको छील लेनी है इस तरह से, देख सकते हैं, अगर कट कर देते हैं और अच्छे से छील लेते हैं इस तरह से, छील दिया हमने। अब यहाँ पर जो तांबे वाला जो भाग है कॉपर की, इसे आपको अच्छे से और रगड़ देनी है कटर के माध्यम से इस तरह से, जिसमें कार्बन बाहर हो जाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा केबल छिला चुका है। अब एक पिन लेनी है आपको इस तरह से, एक पिन ले लेनी है, इसका लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, ठीक है, जाकर आप खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। इसे भी आपको छील लेनी है कुछ इस तरह से, आराम से आपको छीलनी है, बिल्कुल जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, देख सकते हैं यहाँ पर छिला बाहर निकल चुका है इसका जो कवर है वो। कवर बाहर निकलने के बाद इसे आपको फिर से कट करनी है, छील देनी है इस तरह से, देख सकते हैं, अच्छे से छीलने के बाद यहाँ पर आपको इसके नाप ले लेनी साइज को इस तरह से, और सेम आपको सेम साइज पे कटिंग करनी, ठीक है। फिर हम छील लेते हैं, देख सकते हैं अब ये सेम साइज पर आ चुका है, देख सकते हैं। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इसे करते हैं ज्वाइन इस तरह से, प्रॉपर तरीके से आपको ज्वाइन कर देनी है। और यहाँ पर ये हो गया ज्वाइन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसे फोल्ड करनी है इस तरह से, फोल्ड ये किया हमने फोल्ड, फिर इसे आपको घुमा देनी है, ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टेप लगानी, सबसे पहले टेप ले लेनी है आपको, बहुत लो क्वालिटी की टेप है ये, मैं लोकल मार्केट से इसे खरीदा था 10 रुपये में, क्योंकि बहुत ही गंदी क्वालिटी की टेप है, लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। और यहाँ पर आपको टेप लगा देनी कुछ इस प्रकार से, ठीक है,
ये हमने लगा दिया टेप, आपको भी टेप यहाँ पर लगा देनी है। इसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो यहाँ पर टेप का काम पूरा हो गया, ठीक है। अब बसता हमारा ये वाला केबल, तो यहाँ पर आपको देख लेनी है इस तरीके से करके, और यहाँ पर जो भाग बचेगा यहाँ तक आ रहा है, अब यहाँ से आपको छीलना है यहाँ तक, ठीक है, जिससे हम ज्वाइन कर पाएँ। तो यहाँ तक आ रहा है, इसे हम छील लेते हैं कुछ इस तरह से, छील दिया हमने। अब इसे दो भाग में बांट लेनी है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको दो भाग में मिल जाएगा इस तरह से। तो आपको दोनों को अलग अलग ज्वाइन कर देना है, ठीक है। थोड़ी सी और हम छील लेते हैं इस तरह से। अब इसे दो भाग में आपको बांट लेना है, ठीक है, बांट दिया हमने। बांटने के बाद इसे ठीक ऐसा ही कर देना है, और दोनों को अलग अलग आपको जोड़ देनी है, अलग अलग, ठीक है। देख सकते हैं इसे भी हम जोड़ देते हैं, ये हो गया ज्वाइन। अब दोनों को आपको एक साथ जोड़नी है इस तरह से, इससे मजबूती बेहतर मिलती है। अगर इसमें कोई खिंचाव भी आएगा तो हमारा तार टूटेगा नहीं, ठीक है। और कभी भी आप कोई भी तार को जोड़ते हैं तो इसी तरीके से आप ज्वाइन कीजिए, कभी भी आपको केबल ख़राब नहीं होगा। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपको सीधा टेप लगा देनी है, ठीक है। टेप हम लगा देते हैं अच्छे तरीके से, सब आपके सामने बिल्कुल लाइव चल रहा है, मैं वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये हमने कर दिया टेपिंग, ये देख सकते हैं। और टेप बहुत ही गंदी क्वालिटी की है, जिसे मैं 10 रुपये में लिया था मार्केट से, आप अच्छी क्वालिटी की टेप लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, देख सकते हैं हमारा केबल यहाँ पर नया पिन लग चुका है। पहले लगा था ये वाला पिन, अब हो गया ये वाला जो पिन होता है ये काफ़ी ख़राब क्वालिटी की होती है, इसमें आप कितना भी महंगा ले लो बट ये लंबे समय तक नहीं चलता। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यही वाला पिन को बाई करें, खरीदें। देख सकते हैं मेरे बहुत सारे पिन हैं, क्योंकि मैं इसे ही इस्तेमाल करता हूँ, हम जहाँ भी कैमरा फिटिंग करने जाते हैं इसी पिन का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इसे फटाफट लगा लेते हैं। तो इसे लगाने का प्रक्रिया भी बिल्कुल आसान है, ठीक, जहाँ से आपने निकाला था ठीक वैसा ही आपको इसे लगा देनी है। चलिए मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर पिन हमने पकड़ा, और यहाँ पर पहले वाले पोर्ट पर चलते हैं, और आपको घुमाना है इस तरह से, और अंदर की ओर ढकल करके इसे लॉक कर देनी है। इसे भी आपको ठीक वैसा ही करना है, इस पर अटैच करना है, राउंड घुमाना है, ये अंदर चला जाएगा, और आपको ऊपर की ओर उठा करके घुमा देनी है, लॉक हो जाएगा, बस इतना ही इसका काम है। ये लग चुका है, अब हम इसे अपने जगह पर रख देते हैं, ठीक है, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फटाफट चालू करते हैं। तो चलिए पावर ऑन करते हैं, यहाँ से हमने दबाया बटन, और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा। वेट करते हैं कुछ सेकंड, लोडिंग आ रहा है, और कुछ सेकंड में ये ऑन भी हो जाएगा, सब आपके सामने लाइव चल रहा है, हम देखते रहिए। तो देख सकते हैं एक कैमरा ऑन हो चुका है, और यहाँ पर चालू होने वाला हमारा सेकंड कैमरा, और ये वाला जो कैमरा इसी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, आप देख सकते हैं, जो कि घर का बाहर का कैमरा है ये वाला, देख सकते हैं इसी कैमरे में प्रॉब्लम आ रहा था, जो ब्लिंक कर रहा था वो परमानेंटली सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। पर मेरा बाइक भी सामने खड़ा हुआ है, और प्रॉब्लम हमारा बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, देख सकते हैं। मैं यहाँ पर और अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हैं दो कैमरा यहाँ पर लगा है, दोनों कैमरा यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। ये वाले पे प्रॉब्लम आ रहा था, सॉल्व हो चुका, ये तो फिर परमानेंटली ठीक ही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको पिन को बस चेंज करना है, देख सकते हैं यहाँ पर पहले ये वाला पिन लगा हुआ था, हमने इसे निकाल दिया, अब व्हाइट वाला पिन यहाँ पर हमने अटैच कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको पिन को ही चेंज करना है, और अगर मान के चलिए अगर आपने यहाँ पर पिन चेंज किया फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, फिर भी ब्लिंक करे, तो आपको क्या करना है, कैमरे के पास भी आपको पिन मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर देख सकते हैं, मैं कैमरे आपको दिखाता हूँ जूम करके, मेरा कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको पिन लगा मिलेगा, मैं आपको और अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कैमरा लगा हुआ है, और यहाँ पर आपको पिन मिल जाएगा, देख सकते हैं सेम पिन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, जो कि एकदम सेम पिन है, देख सकते हैं। तो आपको इस पिन को भी चेंज कर लेनी है, सेम कलर सेम डिजाइन सेम पिन है, तो आपको इस पिन को भी चेंज कर लेनी, देख सकते हैं यहाँ पर एक पिन लगा हुआ है, एक डीसी पिन है, एक बीएनसी पिन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कभी पिन को चेंज कर लेनी, इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक बीएनसी पिन लगता है हमारे कैमरे के पास जो कि लगा हुआ है, और एक लगता है हमारे डीवीआर के पास। मैंने आपको डीवीआर के पास चेंज करके दिखा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको दोनों पिन को चेंज कर देनी, एक डीवीआर का भी और एक कैमरे का भी, देख सकते हैं यहाँ पर कैमरे पर लगा हुआ पिन और डीवीआर का मैंने आपको दिखा दिया, दोनों बीएनसी पिन का आपको चेंज कर देनी है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कैमरा ऑन हो गया, चल रहा है बिल्कुल, प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। इस तरीके से आप भी अपने सीसीटीवी कैमरे की जो स्क्रीन ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों।
आई होप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा देना। अगर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपके कमेंट की रिप्लाई करूंगा। तो बस आज के वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री।